अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे रमज़ान स्पेशल हरी मिर्ची के माश के वड़े। आइए देखते हैं रमज़ान स्पेशल हरी मिर्ची के माश के वड़े बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और इसे कैसे बनाते हैं, देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए माश की दाल। देखिए, यह 1.5 किलो माश की दाल है। इसे हम अच्छे से वॉश कर लिया है 4 पानी से और 5 घंटे के लिए भिगने के लिए रखा है। और हमने लिया है एक छोटी सी प्याज, से हमने चॉप कर लिया है। 10 से 12 पत्ते हैं करिया पक के, उसे हमने कट कर लिया है। 6 से 7 हरी मिर्च लिए, उसे हमने आधी आधी कट कर लिए। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, उसे हमने चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून नमक, 2 पिंच कुकिंग सोडा। अब हम मिक्सर जार लेंगे, उसमें ऐड करेंगे माश की दाल। थोड़ी थोड़ी माश की दाल लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा वही पानी ऐड करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए, फाइन पेस्ट बन के रेडी है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम दूसरा बैच ग्राइंड करेंगे। देखिए, इसी तरीके से भिगी हुई माश की दाल को ग्राइंड कर लेंगे। फिर से थोड़ा पानी ऐड करेंगे, सारी माश की दाल को इस तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, सारी भिगी हुई माश की दाल अच्छे से ग्राइंड कर लिए हरी मिर्ची दाल के। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप कर लिए सो प्याज, जीरा ऐड करेंगे, करिया पाक के पत्ते कट कर लिए सो चॉप कर लिए सो अदरक, नमक ऐड करेंगे, कुकिंग सोडा ऐड करेंगे। देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसी दरमियान आप नमक टेस्ट करके डाल लीजिए, अगर कम है तो टेस्ट करके डाल लीजिए। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रहनी चाहिए, देखिए इतनी थिक रहनी चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी। देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम इसे लगाएंगे लिड। अब 5 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे इस बैटर को। देखिए, 5 मिनट हो गए हैं। अब हम वड़े बना लेंगे। अब हम एक कप में पानी लेंगे, पहले हथेली पर पानी लगाएंगे। देखिए, इस तरीके से अच्छे से लगा लीजिए और थोड़ा वड़े का बैटर लेंगे। देखिए, इस तरीके से वड़े बना लीजिए। देखिए, उंगली से थोड़ा पानी लेंगे और इसे बीच में सेंटर में होल बनाएंगे। देखिए, इस तरीके से बड़ा बना लीजिए। देखिए, हमने चूल्हे पर कढ़ाई रख ली है, तेल गरम हो गया है। अब इसमें डालेंगे वड़ा। देखिए, इस तरीके से डाल लीजिए। फिर से हथेली पर थोड़ा पानी लगाएंगे, थोड़ा सा माश के वड़े का बैटर लेंगे। देखिए, इस तरीके से बना लीजिए। देखिए, उंगली से हेल्प से इस तरीके से सेंटर में होल बनाइए। देखिए, इस तरीके से अब हम इस तरीके से डाल लेंगे फ्राई करने के लिए। अब हम थोड़ा वड़े का बैटर लेंगे। देखिए, इस तरीके से सेंटर में होल बनाएंगे और फ्राई करने के लिए डाल लेंगे। इसी तरीके से अब हम सारे वड़े फ्राई कर लेंगे, इस तरीके से बनाकर फ्राई कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से फ्राई करने के लिए डाल लेंगे। मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट पकने देंगे। देखिए, मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट हो गए हैं। अब हम वड़ों को पलटा लेंगे, टर्न कर लेंगे। अब हम मीडियम फ्लेम पे बड़े लाइट गोल्डन ब्राउन हुए तक फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे बड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, अब हम दूसरा बैच फ्राई कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से अब हम बड़े डाल लेंगे फ्राई करने के लिए।
अब हम इसी तरीके से सारे वड़े फ्राई कर लेंगे। रमज़ान स्पेशल हरी मिर्ची के माश के वड़े डिश आउट करने के लिए रेडी है। रमज़ान स्पेशल हरी मिर्ची के माश के वड़े डिश आउट हो चुके हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बने हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ हमने बनाया है वड़ों की चटनी, फली की चटनी है ये। इसे आप इफ्तारी में बना सकते हैं और स्नैक्स में भी बना सकते हैं। आप इस तरीके से बनाइए, बहुत आसान तरीका है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।